कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से ही कांग्रेस में हलचल तेज है। राहुल के पद छोड़ने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर पार्टी के भीतर चर्चाओं का दौर तेज है। इन सब के बीच खबर है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला सकती है और जिसमें पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस वक्त अध्यक्ष विहीन है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश की गई, मगर 40 दिन बीतने के बाद भी राहुल गांधी नहीं माने और एक दिन पहले 4 पन्नों की चिट्ठी ट्वीट कर साफ कर दिया कि वो अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस को जल्द से जल्द वर्किंग कमेटी की बैठक बुलानी चाहिए और नए अध्यक्ष को कमान सौंपनी चाहिए। राहुल के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर राहुल नहीं तो फिर कौन, इसे लेकर पार्टी के भीतर चर्चाओं का दौर तेज है। इन सब के बीच खबर है कि कांग्रेस पार्टी अगले हफ्ते कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला सकती है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और पी चिदंबरम समेत कई बड़े नेता देश से बाहर हैं और कल राहुल गांधी भी अमेरिका जा रहे हैं, जिस कारण से CWC की बैठक अगले हफ्ते बुलाई जा सकती है। इसको लेकर अहमद पटेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, कमलनाथ, अशोक गहलोत और सुशील कुमार शिंदे को फोन कर बैठक की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा और बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव के लिए बात होगी। वैसे CWC की बैठक से इतर भी कांग्रेस नेताओं में मंथन का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के आर्थिक सलाहकार अहमद पटेल ने कई नेताओं से फोन पर बात की है और कई नामों पर विचार किया है, जिसके बाद इन नामों को CWC की बैठक में रखा जाएगा, जिनमें किसी के भी नाम पर मुहर लग सकती है। वैसे इस रेस में भी कई नाम हैं, मगर जिनके नामों की चर्चा सबसे तेज है उनमें मनमोहन सिंह, सुशील कुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत हैं। ये सभी वो चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी को यकीन है और जिन्होंने समय समय पर पार्टी के लिए अहम योगदान भी दिया है। खैर, अब किसके नाम पर सहमति बनती है ये देखना दिलचस्प होगा। DB Live की रिपोर्ट।